वेलकम प्यारे स्टूडेंट्स, एचआर फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने पिछले क्लास में संज्ञा पढ़ा दिया था, संज्ञा के पांचों भेद मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और आप समझ भी गए होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी और ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सर्वनाम, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉट इज़ सर्वनाम, यानी वॉट इज़ प्रोनाउन। देखिए सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा अथवा नाम। तो नाम ही संज्ञा है, संज्ञा ही नाम है। द होल वर्ल्ड इज अ नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो संज्ञा अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, यानी किसी नाम के बदले में किसी शब्द का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आप देख सकते हैं यहां पर, मैं, तुम, आप, वह, वे लोग, ये सब क्या हो गया, सर्वनाम। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं, तो मेरा नाम हसान सर, मैं, तो मैं, मेरा कोई नाम है तो मैं की जगह पर नाम था तो सर्वनाम। तुम यानी आपको कह रहा हूँ मैं, तुम, तुम्हारा कोई नाम है, आपका कोई नाम है, आप, तो नाम के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि सर्वनाम के मुख्यतः छः भेद है। कितने भेद हैं सर्वनाम के, मुख्यतः छः भेद होते हैं। कितने, छः भेद है। पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। जो सर्वनाम के छः भेद हो गए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, एग्जाम्पल में पूछेगा, आपको एग्जाम में पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के मुख्यतः छः भेद होते हैं। कौन कौन, तो ये देख लो आपका प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब हम जानेंगे पहला है आपका पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से बोलने वाला, जिस सर्वनाम से स्पीकर बोलने वाला, जस्ट लाइक मी सुनने वाला, आप सुन रहे हो, या जिसके विषय में, जिसके बारे में बात किया जाए, वो, उसका पता चले, उसका बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं पुरुषवाचक। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम से यह पता चलता है कि बोलने वाले अर्थात सुनने वाले अर्थात जिसके बारे में बात किया जाए उन लोगों का पता चले, उसे हम क्या बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, आप, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो और मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आपके 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे। दोनों में आपको पूछा जाता है और व्याकरण का कोई सिलेबस नहीं होता है, हर जगह चलता है, हर एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यही चलेगा आपका। तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। ये तो हमने पढ़ा है आपको कि सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम के मुख्यतः छह भेद हैं। अब कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी पार्ट्स है। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः तीन भेद है, ये आप देख सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं मुख्यतः। कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्यम पुरुष। ये आपको पहले भी पता होगा लेकिन मैं आपको और डिफाइन करके बता रहा हूँ कि कौन कौन है। उत्तम पुरुष जिसे इंग्लिश में हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, मध्यम पुरुष जिसे हम सेकेंड पर्सन कहते हैं, और ये अन्य पुरुष जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ये तीनों के बारे में बताएं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे कि उत्तम पुरुष हम किसे कहते हैं। देखिए उत्तम पुरुष क्या है, जो व्यक्ति बोलता हो, जो व्यक्ति बोलता हो या कहता हो उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी बोलने वाले व्यक्ति को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। पहला, उत्तम का अर्थ क्या होता है, प्रथम, फर्स्ट। तो जो व्यक्ति बोलता हो, कहता हो, है ना, जो व्यक्ति बोलता हो या कहता हो अर्थात बोलने वाले व्यक्ति को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम लोग। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। मैंने, मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बुलाया, तो ये भी मेरा उत्तम। हम या हम लोग, हम लोग, वो भी उत्तम पुरुष क्योंकि वो भी बोल रहे हैं। एक चीज़ में याद रखना, मैं और मैंने जो है वो, ये आपका हो गया एक वचन, मैं और मैं एक वचन हो गया। हम और हम लोग जो है आपका ये बहुवचन, इसकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे क्या कह रहे हो, हम लोग दोस्त के साथ घूमने जा रहे, तो हम लोगों की संख्या बढ़ गई ना, तो ये मैं और मैंने एक वचन और हम लोग हो गया बहुवचन। यानी जिसमें एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे क्लास में पढ़ाऊँगा। तो पहले आपका उत्तम पुरुष का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट आपका मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष हम किसे कहते हैं। देखिए जो व्यक्ति सुनता हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इजी, बिल्कुल इजी। प्रथम, उत्तम पुरुष, मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हो गया, और जो व्यक्ति सुनता हो उसे हम क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि आप सुन रहे हो,
या फिर मेरे क्लास में जो भी यहाँ विद्यार्थी बैठे हुए हैं वो सारे के सारे बच्चे मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो यहाँ पर सारे टोटल बच्चे क्या हो गए, मध्यम पुरुष हो गए, क्योंकि वे सारे लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो जो व्यक्ति सुनता हो उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम लोग, आप लोग, आप मेरी बात को सुन रहे हो ना, तो आप सुनने वाला सदा मध्य पुरुष रहेगा। तुम लोग, ये प्लुरल हो गया यानी बहुवचन हो गया। आप एक भी होता है और अनेक भी होता है, तो आप लोग की संख्या जो होती है वो एक वचन और बहुवचन दोनों होता है, सदा इसको दोनों पार्ट्स में रखा जाता है। तो ये आपका हो गया मध्यम पुरुष। मुझे उम्मीद है कि मध्यम पुरुष भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो उत्तम पुरुष समझ गए आप, मध्यम पुरुष समझ गए। अब हम समझेंगे अन्य पुरुष। अन्य यानी दूसरा, अन्य पुरुष यानी दूसरा। तो यहाँ अन्य पुरुष कह रहा है कि जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि सीता बहुत अच्छी लड़की है, तो मैं किसके बारे में कह रहा हूँ, सीता के बारे में, सीता के बारे में बात कर रहा हूँ, सीता अन्य पुरुष हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और जो मेन पार्ट्स है कि जिसके बारे में बात करें और वो नौ सुने उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जी हाँ, हम या मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ और वो सुने नहीं। यदि जैसे क्लास में आप बैठे हो, मैं सीता की बात कर रहा हूँ, सीता बाहर से छुप के सुन ली, अगर मेरी बात सीता के कान तक चली गई तो फिर सीता मध्यम पुरुष हो जाएगी, अन्य पुरुष नहीं रहेगी। इस बात को आप ध्यान रखना। क्या होगा कि जब कहने वाले की बात को जो सुन लेगा वो अन्य पुरुष नहीं हो सकता। अर्थात अन्य पुरुष का तात्पर्य है कि वो बहरा होना चाहिए, वो किसी की बात को सुन नहीं सकता हो, जो व्यक्ति कह रहा हो उसके स्थान पर वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष क्या कह रहा है कि जिसके बारे में कहा जाए और वह न सुने उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने कहा वह एक लड़का है, अब वह यहाँ पर मौजूद नहीं होगा तभी हम वह कह सकते हैं, अर्थात तुम हो जाएगा। यह एक लड़का है ना, यह या फिर ये, वे, या फिर सीता या राम। मैंने कहा सीता अच्छी लड़की है, तो सीता यहाँ पर मौजूद नहीं होगी, अर्थात हम यहाँ पर जो होगा वो सब तुम हो जाएगा। तो ये था आपका सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद थे। अगले क्लास में मैं निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बोलने वाला उत्तम पुरुष, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हो तो मध्यम पुरुष, और हम दोनों जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो नहीं सुन रहा है वो हो गया अन्य पुरुष। तो हमें उम्मीद है कि आप पूरा समझ गए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम रह गया हो आपको तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में अपनी बात को रख सकते हैं, और हसन सर आपको कमेंट सेक्शन की सारी बातों का जवाब देते रहेंगे। तो ऐसे ही आप सदा मुस्कुराते रहिए और दीजिए अपने हसन सर को इजाजत। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।